केंद्र सरकार के साथ मिलकर हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने में निरंतर जुटी हुई है। इसमें कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे किसान पहले के मुकाबले और ज्यादा अब सशक्त हो रहे हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल वर्चुअल माध्यम से जुड़े और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान समृद्धि केंद्र से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि किसान शक्ति केंद्रों से सहकारिता एवं कृषि जगत में होने वाली प्रगति से राष्ट्र की समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार फेज वाइज तरीके से देश में खुदरा उर्वरक दुकानों को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित कर रही है। ये केंद्र किसानों को कृषि हेतु कच्चा माल, मिट्टी परीक्षण, बीज और उर्वरक की सुविधा प्रदान करेंगे, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। 1,25,000 जो हमारे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो समर्पित किए हैं देश के किसानों को, और 8,500 किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में डाली है। तो आज देश के किसानों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और जो हमारे 1,25,000 जो किसान समृद्धि केंद्र बने हैं, इन केंद्रों के ऊपर आगे से जो भी किसानों से संबंधित सुविधाएं वो मिलेंगी और किसान को अपने घर में ही सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो एक बहुत अच्छा कदम किसानों के आय कैसे दुगनी हो इस दिशा में, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री प्रयास करते रहते हैं कि किसानों की आय बढ़े और उनकी जो खर्चा है किसान को वो कम हो, और उसी दिशा में चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे MSP बढ़ाना हो, चाहे आपका सॉयल हेल्थ कार्ड बनाना हो, ये सारी चीजें इसी दिशा में काम कर रही है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्रों पर किसान मिट्टी, बीज, खाद आदि का परीक्षण भी करा सकेंगे। किसानों को इन केंद्रों पर कृषि से जुड़े छोटे और बड़े हर तरह के उपकरण मिलेंगे, जिनकी मदद से खेती बाड़ी की जा सकेगी। एक ही स्थान पर किसानों को कृषि उपकरण मिलने से समय और खर्चा भी बचेगा, इससे किसानों में आर्थिक समृद्धि आएगी। सहकारिता मंत्री ने भाजपा सरकार के नारे सहकार से समृद्धि के बारे में बताते हुए कहा, सहकारिता विभाग का देश के GDP में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि सहकारिता रोजगार वर्धन के साथ साथ सरकारी मुनाफे में भी अप्रत्याशित वृद्धि कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने का स्वप्न सहकारिता की भावना से साकार हो सकता है। देखो, अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि एक जो गोल्ड है, यूरिया गोल्ड के नाम से एक यूरिया लॉन्च किया जा रहा है आज, और उसके तहत जो हमारी जो खाद है यूरिया, वो कम कंजम्पशन होगी और जो हमारी भूमि है उसको भी नुकसान कम होगा। इसी तरह जो पेस्टिसाइड्स वगैरह ज़्यादा किसान डालते हैं उन पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो स्वास्थ्य के ऊपर बुरा विपरीत असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ड्रिप इरीगेशन होगी, ड्रिप इरीगेशन से हमारा पानी भी बचेगा, और जो किसान ये समझते हैं कि हम अगर फ्लड इरीगेशन करते हैं तो पैदावार ज़्यादा बढ़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ड्रिप इरीगेशन पे भी जाते हैं तो पैदावार उससे भी अच्छी होती है और जो हमारी जमीन की उर्वरकता है वो भी बरकरार रहती है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब से केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की बागडोर अमित शाह के हाथों में आई है, तभी से सहकारिता में विकास कार्य तेज गति से हो रहा है। इसके तहत हरियाणा की सभी 751 पैक्स को जल्द ही कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा और जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इससे विभाग की कार्य प्रणाली में और पारदर्शिता आएगी तथा आधुनिकता में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि सभी पैक्स को जल्द ही बहु उपयोगी बनाया जाएगा और हैफेड, डेयरी शुगर फेड के उत्पादन में भी पैक्स के जरिए नागरिकों को उपलब्ध हो सकेंगे व साथ ही साथ रोजगार संबंधित अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। पैक्स जिस तरह से हमारे देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हम आगे चलकर हर गांव के अंदर पैक्स खोलेंगे, क्योंकि पैक्स एक प्राइमरी यूनिट है, किसानों को जहां से जो लाभ मिलते हैं वो पैक्स से मिलते हैं। तो किसानों को का हित ध्यान में रखते हुए हर गांव के अंदर पैक्स खोली जाएगी और सभी पैक्स को कंप्यूटराइज का काम हमारा चल रहा है, सभी पैक्स कंप्यूटराइज होंगी, उससे जो हमारी इनकी क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है पैक्स के प्रति किसानों में बढ़ेगी। और पैक्स को हम मल्टी सर्विस सेंटर भी बनाने जा रहे हैं, ताकि हमारी जितनी भी फेडरेशन्स हैं
इनका जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसानों को घर बैठे मिले, तो अच्छे प्रोडक्ट और सस्ते दर पर उनको प्रोडक्ट मिले। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा किसान आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी आय बढ़ाएं और सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ मिल भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।